करवानी थी, अब मरीज से कोई जान निकल रही है ना। तुम जाके डॉक्टर को फोन करो जल्दी से जाके। मैं वेट करती हूँ साहब जी। चलिए मेरी जान, प्लीज एक फोन जाओ प्लीज। देखो मैं तुम्हें शुक्र मेरी बात सुनो, एक दफा मेरी बात सुनो प्लीज। देखो टूटू भी तुम्हारा, टूटू तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हमेशा के लिए, फॉरएवर, गॉड प्रॉमिस, ट्रस्ट मी वंस, जस्ट वन चांस, एक दफा प्लीज प्लीज। देखो प्लीज देखो बात सुनो, एक पानी पिला दूंगा सर, मान जाओ। टूटू हमारा है। भाई बेगम, ये टूटू कौन बना है, कौन ये टूटू है, कौन वो अंकल, वो आप बताइए ना, मुझे शर्म आती है। सर टूटू हमारा बेटा है, है? बेटा? अरे भाई जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, तुम्हारा तो कोई बेटा तो नहीं है। ये तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया? आया नहीं है, आने वाला है। सर वो सही कह रही है, मैं कल ही मेडिकल रिपोर्ट लेके आया उसकी, माशाल्लाह खैर समा बनने वाली है। टूटू हमारे हमारे बेटे का नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। आंटी हम मिठाई लेकर आपकी तरफ आने ही वाले थे खुशखबरी के साथ, लेकिन वो बीच में झगड़ा हो गया और अच्छा बस ना, हो गया ना, छोड़ो। शुक्र है तुम दोनों के दरमियान ये टूटू आ गया, वरना आज तो मेरे हिसाब के उलट तुम दोनों के दरमियान तलाक हो ही गई थी। आप भी कमाल करते हैं। अब क्या कर दिया मैंने सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो मैं अब कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस, मैं कह दिया ना। तो अब क्या हुआ, कोई नया झगड़ा शुरू हो गया? देर से आए, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो, कुछ चाय, कुछ अब क्या पिएंगे, चाय कॉफी? मैं समझा नया झगड़ा सर, सर कुछ झगड़े होगी, प्रॉमिस। मैं ये मैंने मेरे माप के दफा, मैं सर कुछ खाने को ले लूँगा सर, गर्मा गर्म समोसे तो होगी, आलू वाले गर्म गर्म चाय। चलो शुक्र झगड़ा खत्म हुआ। कहा बेटी मुझसे एक बात आ, जब टूटू तुम्हारे आ जाएगा तो माँ बन जाओगी, तो तुम एक माँ के एहसास, अपने एहसास से मुझे जरूर आगाह करना। इसी के मुझे एक अपनी कहानी का इख्तितामिया जुमला लिखना है और कहानी को मुकम्मल करना है, वादा? और उस दिन के बाद मैं उस अफसाने के एंड का इंतजार करने लगा, ताहिरा और यजदानी के रिश्ते में टूटू के मजबूत पुल को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि जिस दिन टूटू पैदा होगा उस दिन ताहिरा और यजदानी की खुशियां मुझे उस पहले इंसान की झलक जरूर दिखा देंगी जो मां बनकर खिल उठती थी और जो बाप बनकर फकर से आसमान की तरफ देख रहा था। टूटू का गुरूर जो ताहिरा को तलाक के खौफ से आजाद कर चुका था और यजदानी की जुबान से तलाक का लफ्ज छीन चुका था, वो रोज लड़ते, मैं और मेरी बीवी इन लड़ाइयों में नाकाम सालिस बनकर शरीक रहते और हर लड़ाई की सुलह टूटू के नाम पर होती, दोनों फिर से टूटू के पुल पर चलकर एक दूसरे से मिलते और मेरा इंतजार मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। ताहिरा और यजदानी के बाद तीसरा शख्स मैं था,
जिसको टूटू की पैदाइश का इंतजार था। I'm really, really very upset. I don't know, will he come or not? कैसे नहीं आएगा वो? हर्षा आके बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, उसे मेरी फोन पे बात हुई है। Are you sure? Come on, कोमल। उस आफ्ताब के बच्चे की इतनी जुर्रत है कि वो मेरे सामने आंख उठा सके या मेरी बात को ना कर सके। आपको नहीं पता से मुझे बहुत परेशान किया हुआ। You don't need to worry about anything. Just relax. Have a cup of coffee. Come on, come on, come on, come on. मुझे जवाब देना था, मैं अब कमिटेड था, उन दोनों का पैचअप करा रहा था। अब तुमने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हर बात में शक, हर बात में शक। उसको लेके आया हूँ, उधर से आई हूँ, उसको अगर मैंने मिला दिया दोनों को बिठा कर बात करी तो मैं पागल का बच्चा, मेरा दिमाग खराब है। यू डैमिट। मैं यस दानी।